अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी क्लास ख़त्म हुई थी, 1 आवर नैप लिया और अभी एक्रोपोलिस की तरफ जा रहे हैं। आज आपको एक्रोपोलिस जो उसके इंटरनल व्यू है, अंदर से उसका सारा व्यू कराएंगे और ऊपर से आपको ग्रीस का व्यू भी दिखाएंगे। रास्ते में काफ़ी सारे चर्च आ रहे हैं, साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत हाइट पे है, काफ़ी चलना पड़ रहा है। एक्चुअली पूरा दिन हमारा इतना बिजी होता है, सुबह 6 बजे उठते हैं और फिर क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, थीसिस होते हैं, डिस्कशंस होती हैं हमारी। तो क्योंकि हमारे यहाँ 2 दिन रह गए एथेंस में, फिर हमने एक और तरफ चले जाना है, तो आज सोचा कि एक्रोपोलिस के अंदर जाएंगे और आपको वो व्यू भी करा दें। टर्टल यहाँ पे टर्टल मिला है मुझे, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें आप, जब भी आप एक्रोपोलिस हैं तो याद रखिएगा कि 7:30 के बाद यहाँ पे एंट्री रोक दी जाती है, उसके बाद आपको ऊपर जाने के लिए टिकट नहीं दिया जाता। तो हमारी जो प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी टिकट बाय कर ली हैं और वो हमारे साथ भी आ रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ की। एक्रोपोलिस ये लाइमस्टोन के टॉप पे है, एथेंस के अंदर लाइमस्टोन हिल के टॉप पे। बादशाहों का घर भी कहा जाता है, खुदाओं का घर भी कहा जाता है, और बहुत सी जो वार्स हुई हैं, एम्पायर्स ने कब्ज़ा किया यहाँ पर, डिमोलिश भी कर दिया गया था, दोबारा फिर बिल्डअप कर दिया जाता था। बाकी आपको ऊपर जाके इसके बारे में फर्दर बताते हैं। इस साइड पे एथेंस की मॉर्निंग वॉक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो इस हिल पे गया था, यहाँ से आपको ग्रीस का व्यू दिखाया था। और आज हम यहाँ से इस साइड पर जाएँगे और यहाँ से एक्रोपोलिस के टिकट मिलते हैं और टिकट बाय करके फिर डायरेक्टली हमने ऊपर जाना है। टीम हमारी यहाँ, कुछ ग्रुप मेंबर्स यहाँ पहुँचे हैं लेकिन ये थके हुए हैं क्योंकि इतना चला नहीं जा रहा आप किसी से भी। हमारी प्रोग्राम डायरेक्टर भी साथ हैं, बाकी मेंबर्स आपको आगे जाके दिखाते हैं। यहाँ से इसके एंट्री टिकट मिलते हैं, बिल्कुल एक्रोपोलिस से 100 मीटर फीट के डिस्टेंस पे आई। जब आप टॉप पे आएंगे तो यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, आपको राइट साइड पे म्यूज़ियम शॉप है, टूरिस्ट गाइड है, रिफ्रेशमेंट बार है, पोस्ट ऑफिस है, और उसकी जो लेफ्ट साइड है ये दोबारा हम नीचे मेन सिटी की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे जो मजदूर लोग आते हैं तो उनके लिए एलिवेटर्स वगैरह भी लगाए हुए इन्होंने, जो यहाँ से लेकर टॉप ऑफ एक्रोपोलिस के ऊपर आपको लेकर जाएंगे। तो चले चलते हैं, हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है। तो ये म्यूज़ियम शॉप है जहाँ पर इनके किंग्स के, खुदाओं के, जो उस वक्त की चीज़ें मिली थी उनकी हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी जो आप बाय करना चाहते हैं। टिकट यहाँ से मिलेंगे और रेड क्रॉस फर्स्ट एड सेंटर, यहाँ पे कोई एमरजेंसी हो जाए तो उनकी देखभाल की, और वो एमरजेंसी हो चुकी है, एक डस्टबिन गिर गई है। और अभी हमें टिकट मिल गए और अभी हम ऊपर एक्रोपोलिस की तरफ जा रहे हैं। We're going to the Where are you going? Acropolis. We're going to the top because I'm meant to be at the top. And I know it's not Any comment? So Hill asked Athena to wake up. Oh my god. Somebody tell him how long Athena has been dead for. Whoa. It's impossible for her 15,400 years. So why would you say she should wake up? Maybe she wake up. Oh my gosh. Anything can happen. Right. We don't want a zombie as our clips. Not today. ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से सब एक्रोपोलिस की तरफ जाएंगे। I would
तो इंटर हो चुके हैं एक्रोपोलिस में। तो यहाँ पर काफ़ी जगहों पे स्लोप्स बनी हुई हैं, स्लोप्स में इनके यहाँ से डिवीजन है हर एरिया की। कुछ जगहों पे यहाँ पर उस वक्त के बादशाहों की, जो किंग्स थे, उनकी मीटिंग हुआ करती थी। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जेल बनी हुई है, कब्रें बनी हुई हैं, तहखाने बने हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हर तरफ एक्रोपोलिस की तरह काफ़ी टेम्पल्स बने हुए हैं। एक ये सामने भी है, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। बताया जाता है कि बादशाहों की जगह, यहाँ बादशाह भी रहते थे, फिर खुदाओं के लिए भी बनाया गया था, फिर ये जंग होती थी, कोई और रूलर कब्जा कर लेता था। और जो इनकी गॉडेस थी एथीना, उसकी कब्र भी यहीं पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ डिफरेंट स्लोप्स हैं। ये आगे बोर्ड भी एक लगा हुआ है, यहाँ से आपको दिखाते हैं कि स्लोप डिवीजन क्या थी और जहाँ पर इनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, उस जगह को अब थिएटर बना दिया गया है। ये अंदर देख सकते हैं आप, और यहाँ से आपको एथेंस और ग्रीस का व्यू भी देख ये अभी का नहीं, ये 15,400 ईयर्स पुराना है। और इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये चीज़ें उस वक्त उन्होंने अपने हाथों से ये बनाई थी। आज कितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाए, ऐसी चीज़ें बनाना कितना ही मुश्किल लगता है हमें। तो अभी यहाँ से नीचे उतरता हूँ, फिर आपको व्यू कराते हैं। Video does this place justice. You have to see it in person. It's so beautiful. I know. It's like you have to see it in person to take it in. Acropolis top pe bilkul. अभी ये इसकी जो एंट्री पॉइंट पे, जो जहाँ पर उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, जिसे अब इन्होंने थिएटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। थिएटर उस टाइम पे, इसे थिएटर तो उनके कहा था, जहाँ पे बादशाहों की और डिफरेंट एम्पायर्स और रूलर्स की यहाँ पे जंगों के बारे में इनकी मीटिंग हुआ करती थी। यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, टूरिस्ट गाइड है। ये बताया जा रहा है कि एक्रोपोलिस का मतलब यही है कि टॉप ऑफ द सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लाइमस्टोन माउंटेन है, उसके टॉप पे बना हुआ है एथेंस के अंदर। और एथेंस के अंदर जो सबसे बड़ी हैं, वो 7 टॉप हिल्स हैं, और हर टॉप हिल के ऊपर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे एक्रोपोलिस की कुछ दीवारें आपको दिखा देते हैं, डिफरेंट स्लोप्स हैं हर तरफ। मैं भी यहाँ नीचे ही हूँ, नीचे का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और ब्रॉन्ज फाउंड्री है ये, ये तमाम स्ट्रक्चर उस वक्त के इसी जगह पे थे ऐसे ही, जिन्हें दोबारा उन्होंने ऐसे ही मेंटेन कर दिया था। ये
ये जैसे आपको बताया था कि जेल्स वगैरह भी साइड पे हैं, कैदखाने जो है ये अंडरग्राउंड इसी तरह ज़मीन के अंदर है। नो प्ले, अभी सनसेट भी होने लगे हैं और मैं चाह रहा था कि सनसेट से पहले मैं टॉप पे पहुँच जाऊँ और फिर आपको ऊपर से एक्रोपोलिस का व्यू कराऊँ। ये नॉर्थ स्लोप की तरफ है, मुझे उधर ऊपर टॉप पे जाना है। यहाँ से ये टेंपल ऑफ थेमिस है और इसी तरह यहाँ पे बेशुमार हैं, मतलब सम प्लेसेस आर अननोन। They don't exactly look great. Who are they? Yep. यहाँ पर काफी सारी केव्स भी हैं। लोग आते तो बहुत शौक से, लेकिन यहाँ के बस हो जाती है उनकी, पूरी दुनिया यहाँ बैठी थी। पहले मैं आपको डाउन का व्यू दिखाऊं। आप इनका आर्ट चेक करें, इसी तरह के ये उस वक्त जब इन्हें अपनी पर्सनालिटी का, अपने आर्ट का, इन चीज़ों का पता चला था तो ये चीज़ें तब उन्होंने शुरू की थी। और जब भी कोई वॉरियर्स वापस आते थे तो उनको टाइटल के तौर पर इसी तरह की उनकी पत्थर के बुत वगैरह बनाकर उनको दिए जाते थे तोहफे के तौर पर। तो आर्ट का जन्म इस तरह हुआ था इनका। और एथेंस पूरा ही, ग्रीस पूरा ही ऑलमोस्ट उसकी एक हिस्ट्री है आर्ट की, कल्चर की, ओल्ड सिविलाइजेशन की। कितना गॉर्जियस लग रहा है, देखें कितना अजीम बनाया हुआ है। ये उस वक्त का है, उसी तरह इन्होंने प्रिजर्व कर लिया। जो That's the Acropolis. तो अब ये इनका एक्रोपोलिस का आप कंप्लीट व्यू देखें। आपको ये एक्रोपोलिस की ये पिलर्स चेक करें, ये उस दौर में किस तरह इन्होंने बनाए होंगे और आज तक ये अपने रियल शेप में मौजूद है। इनकी आर्ट चेक करें, यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ किसी भी आपको, आपने मार्बल को टच नहीं करना। मैं यहाँ से एक्रोपोलिस के टॉप पे आ गया। Okay.
और क्योंकि साइड्स पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कुछ आइलैंड्स हैं ग्रीस के भी कुछ इलाकों में, जिसकी वजह से इस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए रिपेयर किया जा रहा है। जो एथेनिया गॉडेस थी उनकी, उसकी कब्र भी यहीं पे है। तो वो मैं कंफर्म करूँगा किस पॉइंट पे है, तो वो भी आपको दिखा दो। कुछ जगहों ये जो मार्बल्स हैं इनको यहाँ के जो लोकल मिनरल्स थे, केमिकल्स थे, उनकी मदद से ये पेंट किया गया था और आज भी वो अपने रियल पेंट्स और रियल कलर्स में मौजूद हैं। मैं इसके साउथ साइड से आपको एक्रोपोलिस के टॉप से दिखा रहा हूँ। ये नॉर्थ साइड से ग्रीस आप देख सकते हैं। और ये जो टेंपल है ये एथेनिया को डेडिकेट किया गया था 444 अराउंड बिटवीन 433 BC में एथेनिया को, और इस पे टोटली वाइट मार्बल यूज़ किया गया था। और ये जो टेंपल है ये भी एक लार्जेस्ट आर्चियाकिक टेंपल है साउथ ऑफ एचियाथियोन में, जो कि अभी तक प्रिजर्व किया गया है, जिसको यहाँ की तारीख में एक बहुत ही पुराना टेंपल के नाम से याद किया जाता है। ये उस टाइम बिल्ड किया गया था जब यहाँ पर मिकेनियन रूलर ने, जो एटिका का था, उसने इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी 18th BC में, और ये बिल्ड करके एथेनिया गॉडेस को ये गिफ्ट कर दिया गया था। और ये जो टेंपल था ये बिल्ड किया गया था 525 to 500 BC में, और एसोसिएटेड विद द सन्स ऑफ द टेरिटन और द एथेनियन पीपल एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ थीन्स। इसकी एक तारीख है कि 480 BC में ना इसको तबाह कर दिया गया था जब पर्शियंस की मुदाखलत हुई थी, जब पर्शियन ने इस पर अटैक किया था, इन्वॉल्वमेंट हुई थी वहाँ की। तो चलते हैं आगे आपको बताते हैं कि और यहाँ पे क्या छोटी या बड़ी हिस्ट्री है इसकी। और ये भी जबकि 1687 में इस जो पैराथियोन को था इसको तबाह कर दिया गया था, और बाद में इसको दोबारा रिस्टोर किया था 1900 से लेके 1930 तक इसका टाइम लगा था इसको दोबारा रिपेयर करने का। और इसके आप स्टोन्स देख लें, ये इंसान सोच भी नहीं सकता किस तरह उन्होंने ये बिल्ड किया था। Hey, what's up? Is everything good? और यहाँ पे आपको टॉप पे एक मज़े की चीज़ दिखाएं जो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ। ये देखिए आप, इसके टॉप पे ये हॉर्सेस के आपको
नज़र आ रहे हैं, ये डमीज बनी हुई है पत्थर उस वक्त की। अमेजिंग। अब आपको पता चल गया होगा कि हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है इस चीज़ का और ये कितनी यूनिक चीज़ है, और यहाँ पे आना चाहिए लाइफ में जब आपको चांस मिले आप ज़रूर विज़िट करें। और इसी तरह आगे भी यहाँ पे कुछ है, टॉप ऑफ एक्रोपोलिस। ये एथेनिया को ये बिल्डिंग गिफ्ट की गई थी इस टाइम, मैं इसके करीब जाके दोबारा आपको ये वीडियो क्लियर कर दिया शो करता हूँ। यहाँ पे भी आपको वो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा, यहाँ पे भी कुछ हॉर्सेस का वो स्टोन से ये बने हुए हैं, ये उस वक्त के किंग या वॉरियर्स उनके स्ट्रक्चर हैं। ये जब भी किसी चीज़ पे कब्ज़ा करते थे और जब भी कोई इनकी विनिंग स्टेज होती थी, वॉर हो या कोई भी हो, अपने प्लेस को सेव करने के लिए ये कुछ भी फ्राइज अंजाम देते थे, तो इनको इसी तरह आर्ट के थ्रू नवाजा जाता था। इस साइड पे काफ़ी सारे पिलर्स हैं, अब ये नहीं पता यहाँ उस दौर में क्या बना हुआ था, लेकिन जिस हालत में ये चीज़ें मिली थी तो तब से इन्होंने इस एरिए को इसी तरह ही प्रिजर्व किया। ग्रीस का फ्लैग लगा हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टॉप हिल पे चला जाऊँ, फिर यहाँ से आपको फर्दर व्यू कराते हैं। वो लाइन मुझे याद आ रही है कि और आजमाइश तो फिर मनपसंद चीज़ों से ही शुरू होती है, तो जिसने कब्ज़ा किया यहाँ पे आने की कोशिश की तो दूसरे ने उसको उसी तरह ही मिटा दिया, ऐसी आजमाइश थी उनके लिए भी। यहाँ पे भी बहुत सारे पिलर्स, इधर भी कोई केव है अंदर जो रूम की रूम नुमा है नीचे जाने के लिए, तो आई थिंक इधर अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये जो पॉइंट है ये 1982 में बिल्ड कर दिया गया था दोबारा, जो मैंने फ्लैग आपको ग्रीस का दिखाया था, ये मैं उसके टॉप पे आ गया। तो मैं अभी बिल्कुल टॉप पे पहुंच आया हूँ और यहाँ से आपको ग्रीस का व्यू कराते हैं। अब आप ये फ़र्क महसूस कर लें कि कितनी टॉप पे इन्होंने ये लाइमस्टोन के ऊपर एक्रोपोलिस बिल्ड किया था। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि तारीख तभी बनती है जब आप बनाना चाहते हैं। ज़िंदगी में आप जहाँ भी हैं अपनी स्ट्रगल जारी रखें, एक टाइम आएगा कि आपको आपकी स्ट्रगल आपकी कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। और मैं अपनी फेवरेट जगह यहाँ आना चाह रहा था और अब मैं पहुँच आया हूँ, तो आप चेक करें यहाँ से कंप्लीट ट्री आपको नजर आएगा।
एक्रोपोलिस के सामने इस हिल के ऊपर भी इसी तरह का एक टेम्पल बना हुआ है। ट्राई करेंगे अगर टाइम हुआ, हमारे पास सिर्फ दो दिन रह गए यहाँ पर, अगर मुझे मुश्किल लग रहा है कि हम उस तरफ जा सकें। ऐसे एरिया सब बंद किया हुआ, यहाँ पे नहीं जाने दे रहे थे उस वक्त की केव्स हैं, जेल्स हैं। तो बारिश भी होने लगी है, हमें कोई अम्ब्रेला और रेनकोट साथ नहीं लाया, तो इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए मुझे एटलीस्ट एक्रोपोलिस की स्टॉप हिल लाइमस्टोन से नीचे उतरना होगा। चलिए आपको एक और जगह दिखाते हैं, ये भी ये चेक करें, ये यहाँ से एक्रोपोलिस से नीचे जाने का एक रास्ता था लेकिन यहाँ जाने नहीं दे रहे, बंद किया हुआ ये भी। ट्राई करता हूँ मैं इसके थोड़ा करीब जाऊँ और फर्दर आपको एक्सप्लोर करके बताऊँ। ये तब के स्टोन्स देखें, मार्बल्स, तो मैंने कोशिश किया मैं यहाँ से एक साइड पे आ जाऊँ ताकि आपको इसका कंप्लीट वो भी दिखा दूँ। यहाँ भी ये दोबारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसको लेकिन जिस चीज़ की रिपेयरिंग के ऊपर या कोई भी कलर दोबारा करते हैं के साथ उस पर मैंशन किया जाता है, जो रियल चीज़ें वो अपनी जगह पर ही हैं और सेम उसी कलर को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके उस चीज़ के साथ अटैच किया जाता है। देखें ये जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो गॉडेस की तस्वीरें ये बनाई जाती थी पिलर्स की फॉर्म में। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स,
अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और मैं अपने साथ अम्ब्रेला वगैरह नहीं लेकर आया। अनएक्सपेक्टेड रेन हो रही है। चेक किया था सुबह आने से पहले भी तो अभी होने नहीं थी चाहिए, लेकिन जो अल्लाह चाहता है वही होता है। वेदर चेक कर रहे हैं आप यहाँ का। बारिश आहिस्ता आहिस्ता अब तेज़ हो रही है। तो कैसा लगा आपको एक्रोपोलिस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सैटरडे हमारा इवनिंग ऑफ हो जाएगी और संडे को हमने यहाँ से एक और जगह मूव हो जाना है, जो कि यहाँ से 100 माइल है। किसी भी चीज़ को गुड बाय कहना मुश्किल होता है, लेकिन हर चीज़ को जाना तो ज़रूरी है। सो मैं टॉप से नीचे जा रहा हूँ। सो गुड बाय, और आप वीडियो एंजॉय करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। ये कंटेंट मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ को क्लोज़ नज़र से देख सकें, क्योंकि मोस्टली जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं एडिटिंग होती है और उसमें हर चीज़ आपको रियल नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ क्लोज और बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। टॉप फ्लोर चेक करें। ग्रीस का व्यू देख लें आप, एथेंस सिटी और इसके सराउंडिंग में जो आइलैंड्स हैं। मौसम ख़राब हो गया, वो आप बिल्कुल आपको ये सी व्यू का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये व्यू आप चेक कर लें, यहाँ बारिश तेज़ हो गई है। तो मूव होता हूँ, लोग सारे वापस जा रहे हैं। ये टाइगर्स थे, मैंने उधर आपको टॉप से बताया। अल्लाह हाफिज़। तो मैं बाहर वापस पहुंच आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।